आइए। बहुत संकट में चल रहा है, कल कार की बैटरी भी खराब हो गई थी। हाँ सब ठीक हो जाएगा। फूफा जी से हिलगी भी चल रही है। कॉकरोच कॉकरोच क्यों बे नखंदे, नौकर को अपना बाप बनाकर स्कूल ले गया। 3 महीने की फीस स्कूल में नहीं दी, बाप से ले जाके पूरी फीस खा गया। बैंक के चुदाए। बाबा जी आप महान हो, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। बाबा जी क्या बताऊं मैं, दिन ब दिन इतना नुकसान होता जा रहा है और घर में मन सा भी नहीं लगता मेरा। बाबा जी जानता हूँ, आज तक मैंने जितनी भविष्यवाणी की है एक भी सच आप बहन का भोसड़ इसकी एक भी झूठ नहीं हुई है। अंधविश्वास पे विश्वास करता है? नहीं मैं नहीं करता, हाँ करता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ क्या बंद कर ले। चार टुकड़े करके पूरे परिवार को खिला दो, सब कुछ खुशल मंगल होगा। आपने हमारे कष्ट दूर करे, मैं बहुत खुश हूँ। बाबा जी को दक्षिणा दो। अरे नहीं बच्चा नहीं, बाबा को कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, बाबा सारे काम फ्री करता है, बस बाबा के बाबा खुश होने चाहिए। पूछ लेता हूँ जी, बाबा जी आप खुश हैं? अरे अच्छा, ओहो हो ठीक है। बाबा कह रहे हैं तेरे कष्ट कुछ ज्यादा ही है, काटा पीटी में 15,000 रुपए लग रहे हैं। 15,000? कोई बात नहीं बाबा जी, मैं खुश हूँ, मेरे कष्ट दूर कर दिए आपने। चलिए चल बाबा जी को पैसे लगे दे। लो बाबा जी सब कुशल मंगल हो। अरे पापा, बाबा जी ने ये तो बताया ना कि केला छील के खाना के बिना छीले खाना। रुको मैं पूछ के आता हूँ। रामू कुत्ते तू, साले दगाबाज, अपने ही घर में गद्दारी करी तूने। मालिक मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो मालिक। मालिक मेरी गलती है, मैं सारे पैसे अभी वापस करता हूँ, मालिक से माफी मांग लूंगा। मालिक मेरी गलती हो गई प्लीज। चल अच्छा सुन, बात यही रफे दफे कर, पैसे आधे आधे कर ले। मालिक दोनों पुलों के बीच में गाड़ी फंसी पड़ी है यार। क्या मतलब?